Hi everyone, in Anthropology Lecture Series for Paper 2, today we are going to discuss Topic 1.1 Part 4. So let's begin. See, in this particular lecture, we are going to cover basically this topic and the contribution of tribal culture to Indian civilization. There is nothing much to discuss or to tell you. So what I will do is, these will be included in notes only. Okay, not in the videos. This will save us some time and I could bring the lectures in a much better frequency to you. और जो ये वाले टॉपिक्स है दैट यू कैन सी इन द ब्लू, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन डिटेल इन प्रीवियस लेक्चर्स, राइट। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम वैल्यू एडिशन डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज दीज आर लाइक इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो, क्योंकि कई बार अगर आप देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसे क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब आप उठा के देखेंगे तो। अर्ली हड़प्पन कल्चर्स के अंदर बहुत सारे आपके आएंगे, कोट डिजी, अमरी नल, ये सारे हैं जो आपको अर्ली हड़प्पन कल्चर्स के अंदर पढ़ने हैं। देन एसिमेट्री एज कल्चर जो कि आपके लेट हड़प्पन कल्चर का एक पार्ट है, और आयरन इन्वेजन थ्योरी जो आप शायद 2020 के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे उसमें पूछा गया है। तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया अबाउट ऑल दीज टॉपिक एंड दैट इज वाई आई हैव एडेड देम इन द वैल्यू एडिशंस। ओके, टू बिगिन विद, सबसे पहले हम प्री हड़प्पन और प्रोटो हड़प्पन कल्चर्स, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है और ये होते क्या है, इनके बारे में समझ लेते हैं। बिकॉज एज यू कैन सी आपके जो सिलेबस के अंदर मेंशन है कि प्री हड़प्पन कल्चर पढ़ना है आपको, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स, इन तीनों के ही बारे में पढ़ना है। मोस्टली अगर आप जीएस की बात करते हैं तो जीएस में आप ये जो हड़प्पन कल्चर है इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़े हुए होते हैं। बट द डिफरेंस इज कि जब आप एंथ्रोपोलॉजिकल पर्स्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो आपको एक स्टेप आगे जाना होता है, और यहाँ पर आप अलग अलग कल्चर्स के बारे में भी जानते हो। जो आप जीएस में पढ़ते हो यू मोस्टली स्टडी अबाउट द फीचर्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज समटाइम्स आई फाइंड कि पीपल फाइंड इट वेरी कन्फ्यूजिंग कि जब वो पढ़ रहे हैं लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इन द जीएस एज वेल, सो दे टेक इट विद द सेम फेस वैल्यू, बट वैसा नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है फॉर द एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ओके, टू सेट दैट, सबसे पहले अगर आप प्री हड़प्पन और प्रोटो हड़प्पन कल्चर्स की बात करें तो हमने जिन लोगों ने देख रखा हो पार्ट 3 ऑफ दिस 1.1, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मेहरगढ़ कल्चर था, मेहरगढ़ कल्चर वॉज बेसिकली प्रीकर्सर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन यू कैन से। व्हाई? बिकॉज जो बहुत सारे फीचर्स थे वो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस मेहरगढ़ कल्चर इज अ पार्ट ऑफ द अर्ली हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, राइट, जो कि आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो आपके प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन होते, जाहिर सी बात है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जब आप टाइम फ्रेम बात कर रहे हैं उसके पहले के जितने हैं दे आर ऑल प्री, बट जब आप प्रोटो हड़प्पन कल्चर्स की बात करते हो तो दे आर दोस प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसके अंदर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं दैट अल्टीमेटली गॉट ट्रांसफर टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑलराइट, सो आपके जो मेहरगढ़ कल्चर है, मेहरगढ़ कल्चर एक प्री हड़प्पन भी है और एक प्रोटो हड़प्पन कल्चर भी है। प्रोटो हड़प्पन कल्चर क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो फीचर्स है वो हड़प्पन से मिलते हैं, और प्री क्यों? बिकॉज डेफिनेटली इसका जो टाइम फ्रेम है वो हड़प्पा से पहले। आई होप द थिंग इज वेरी क्लियर। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जितने भी प्रोटो हड़प्पन कल्चर है वो जाहिर सी बात है वो प्री हड़प्पन कल्चर भी होंगे, और प्रोटो हड़प्पन कल्चर इज इक्वल्स टू प्री हड़प्पन कल्चर। लेकिन सारे के सारे प्री हड़प्पन कल्चर जरूरी नहीं है कि आपके प्रोटो हड़प्पन कल्चर हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। Why this is so? Because आपके हड़प्पा के पहले भी तो बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स आए होंगे, लेकिन सारे के सारे कल्चर आपके प्रोटो हड़प्पन के अंदर फॉल करें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी प्रोटो हड़प्पन होगा वो प्री ज़रूर होगा। आई होप ये छोटा सा डिस्कशन है बट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले तो आपको जो टाइम लाइन है वो पता होनी चाहिए, यू शुड रिमेंबर दिस। एंड दूसरी, हमें ये सबको पता है दैट इट वॉज अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन जहाँ पे ब्रोंज का यूजेज शुरू हो गया था। एंड देयर आर सम फैक्चुअल पॉइंट्स लाइक इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ, लाइक दिस इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इट्स टाइम, राइट। और ये फ्लॉरिश कहाँ पे करती थी? इंडस रिवर बेसिन पे। तो दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी, बिकॉज हमने जितनी भी अभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में बात करी है, पीरियड्स के बारे में बात करी है, मोस्टली टॉकिंग अबाउट द पीरियड्स, अगर आप मेसोलिथिक की बात करें या पैलियोलिथिक की बात करें तो वी हैव सीन लाइक हु वॉज द वन हु काइंड ऑफ डिस्कवर्ड इट। तो उसी तरीके से जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, एट फर्स्ट ड्यूरिंग 1826 इट वॉज डिस्कवर्ड बाई चार्ल्स मेसॉन। अब ये चार्ल्स मेसॉन कौन थे? ही वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर।
Basically, he was not an archaeologist, and having no certain degrees in hand related to the excavation and any of the things, but he was a soldier. और इन्होंने अफगानिस्तान वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था एंड ही हैव बीन टू दैट पर्टिकुलर एरिया अफगानिस्तान और वो पूरा पाकिस्तान वाला रीजन तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था एंड ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन एक्सकवेशन आर्कियोलॉजी को जानना तो उसी इंटरेस्ट के दौरान ही फाइंडेड आउट सम काइंड ऑफ एन लाइक हाई वॉल्स और कुछ कुछ सेटलमेंट्स टाइप की इनको चीज़ें देखने को मिली और इनका एक अलग कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट जो अलेक्जेंडर के टाइम के भी कुछ चीज़ें थी वो भी इन्होंने अपने टाइम पे डिस्कवर्स किए थे तो ही वॉज काइंड ऑफ एन ग्रेट इंथुजियास्ट यू कैन से और डिस्कवरर और उसके बाद जो एक्चुअल में फाइंडिंग्स हुई दैट वॉज ऑन दी फॉर्मल लाइन्स और ये शुरुआत हुई आपके सर अलेक्जेंडर कैनिंगमन से तो इन्होंने 1872 में Like once this discovery was done by Charles Mason और जैसे जैसे धीरे धीरे बात आगे बढ़ी फैली तो उस टाइम पे लाइक सर अलेक्जेंडर ने उस जगह पे पहुँच के वहाँ के लोगों से बातचीत करी he did his own excavation at a certain level और उन्होंने ये find out किया कि like most probably the kind of a city that used to exist on that place was kind of a 1000 years old ये सर अलेक्जेंडर का मानना था देन विथ सम फर्दर एक्सकेवेशन और 1924 तक आते जब आपकी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सेटअप हो चुकी थी अच्छे लेवल पे एंड देयर वाज मच मोर एक्सपर्टीज और सारी चीज़ें अवेलेबल थी उस टाइम पे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे वो वाज जॉन मार्शल इन्होंने अपने लेवल पे जो फाइंडिंग्स करी उसके हिसाब से ही फाइंड आउट दैट दिस पर्टिकुलर सिटी दैट एग्जिस्टेड इन दैट पर्टिकुलर रीजन माइट बी समवॉट लाइक 5000 ईयर ओल्ड और ये 5000 ईयर ओल्ड होने की वजह से इट कोइंसाइड विद द टाइमलाइन ऑफ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया तो इससे ये पता चला कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया जब एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे यहाँ पे भी कोई ना कोई एक वर्ल्ड सिटी एग्जिस्ट किया करती थी एंड दैट वाज 5000 ईयर ओल्ड उसके पहले सर अलेक्जेंडर कैनिंगमन का क्या मानना था उनका मानना था ये 1000 ईयर ओल्ड था बट इन्होंने उसके ऊपर कुछ एडिशंस किए राइट तो ये चीज़ें आपको एटलीस्ट याद रखनी है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ना इसी डिटेल का अगर हम थोड़ा और पोस्टमार्टम करें देन यू विल फाइंड आउट कि ये जो 1924 में जॉन मार्शल ने अनाउंसमेंट करी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ दिस न्यू सिविलाइजेशन दैट वाज आफ्टर द कंट्रीब्यूशन ऑफ राय बहादुर दयाराम साहनी जिन्होंने इस पर्टिकुलर साइट को एक्सकवेट किया था ड्यूरिंग द 1921 सो बेसिकली ही हैड अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन दूसरा आपके एम एस वत्स इन्होंने भी कुछ एक्सकवेशन किए थे इस साइट पर ड्यूरिंग द 1920s and 1934 और ये बात तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है लाइक व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज समटाइम आल्सो रेफर्ड टू एज हरप्पा बिकॉज जो फर्स्ट सिटी थी जिसकी एक्सकवेशन और डिस्कवरी हुई थी दैट वाज द हरप्पा सो दैट इज व्हाई ऑन दैट द पर्टिकुलर सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज द हरप्पन सिविलाइजेशन ओके दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ बट वट इज इम्पॉर्टेंट इज कि जो भी आप यहाँ पे नेम्स देख रहे हैं लाइक एम एस वत्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करें तो राय बहादुर दयाराम साहनी और इवन फॉर दैट मैटर अगर आप ब्रिटिशर्स की भी बात करें तो जॉन मार्शल जो कि एक इम्पॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं या आपके अलेक्जेंडर क्यूनिंगमन तो इनकी अगर आप बात करो तो इनके बारे में भी आपको एटलीस्ट 5-6 लाइन्स तो लिखने के लिए रेडी होनी चाहिए अपने लेवल पे ठीक है सो आई लीव इट फॉर यू एज एन एक्सरसाइज कि आप ये जितने भी नेम्स देख रहे हैं इस तरीके के बिकॉज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे इनसे रिलेटेड ठीक है सो आई कुड हैव लाइक मैंशन दैट फॉर यू बट उससे आपको चीज़ें रटनी पड़ जाएगी अगर आप खुद से एक बार थोड़ा एफर्ट करके उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बिकॉज आई हैव गिवन यू द क्लू अभी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं कि क्या ढूंढूँ क्या करूँ गूगल इज एट योर डिस्पोजल आप फाइंड आउट करें इनके बारे में और अपने नोट्स में उसको इंक्लूड भी करें एंड सिमिलरली ये तो हरप्पा की बात होगी और बाकी भी जितने भी साइट्स हैं रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन उनकी डिस्कवरी कब और किसने की थी दैट यू कैन सी यहाँ पे मोहनजोदाड़ो जो 1922 आपको दिख रहा है इसमें आपको आर डी बैनर्जी के साथ कुछ और भी नाम देखने को मिलेंगे बट डोंट गेट कन्फ्यूज यहाँ पे अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करेंगे तो आर डी बैनर्जी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मोहनजोदाड़ो एज वेल ड्यूरिंग 1922 तो ये डेट्स भी आप 2-3 बारी देखेंगे अगर याद हो जाए देन वेल एंड गुड बिकॉज जब कभी भी आप इन पर्टिकुलर साइट्स के बारे में मेंशन कर रहे हैं लिख रहे हैं अपने आंसर के अंदर तो उनकी डिस्कवरी कब और किसने की थी इफ़ यू मेंशन दैट दैट विल फेच यू एडिशनल मार्क्स नाउ टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन सी एक चीज़ क्लियर है कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन की ओरिजिन है
या जब हम आगे चल के अभी डिक्लाइन थ्योरीज के बारे में भी पढ़ेंगे, तो नन ऑफ दीज थ्योरीज हैव बीन एबल टू प्रूव दैट पॉइंट. दीज आर लाइक सर्टन थ्योरीज दैट इज वेल सेड बट नॉट प्रूवन इट. ओके, तो अगर आप ओरिजिन के बारे में भी बात करें तो ओरिजिन से भी रिलेटेड अलग अलग लोगों के अलग अलग धारणाएं हैं. दे हैव लाइक डिफरेंट थिंग्स टू से. तो उनके अंदर कुछ प्रोमिनेंट नेम्स जब आप मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ अबाउट द फेयर एंड सर्विस और मॉर्टिमर व्हीलर. मॉर्टिमर व्हीलर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द इंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया. तो इनके बारे में भी अगर आप एडिशनली पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले जो कुछ नेम्स बताए थे. उसी के बाद इनका कहना था कि जो ओरिजिन है ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद द वेस्ट अफ्रीका. और वेस्ट अफ्रीका से धीरे धीरे कल्चर डेवलप हुआ और अल्टीमेटली दैट इज़ बीइंग शोन इन द हरप्पन सिविलाइजेशन. वहीं जीन मैरी कैसल का मानना है कि हरप्पन सिविलाइजेशन का जो सोर्स है दैट इज़ द अमरी कल्चर. अभी अमरी कल्चर क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि जब हम वैल्यू एडिशंस पढ़ेंगे उसके अंदर अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर आपको बहुत सारे कल्चर्स के बारे में पढ़ना है. तो ये अमरी कल्चर उन्हीं में से एक है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्री हरप्पन, राइट. मोहम्मद रफ़ी के भी अपने कुछ व्यू पॉइंट्स थे. इनके हिसाब से जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो सुमेर में ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है. और वहीं अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो अमलानंदा घोष, ही ऑल्सो प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल. आप चाहे तो इनके बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल्स अपने पास इकट्ठा करके रख सकते हैं. तो इनके हिसाब से हरप्पन सिविलाइजेशन का सब लोकल ओरिजिन ही था, बिकॉज आप बाकी सारे जितने भी देखेंगे इनके हिसाब से कहीं ना कहीं दूसरे जगह से ओरिजिन को बताया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है. बट इन केस ऑफ अमलानंदा घोष इनका मानना था इट हैज़ दी लोकल ओरिजिन. नाउ जब आप डेट्स की बात करें, बिकॉज हरप्पन सिविलाइजेशन कब से कब तक एग्जिस्ट करती थी, इसको लेके भी कोई कंसेंसस ब्रॉडली डेवलप नहीं हो पाया है. ओवरऑल अगर आप बात करें तो कुछ एक चीज़ें हैं जो हम डेट अभी देख रहे हैं, दैट इज़ देयर. बट इसके अलावा अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है कि हरप्पन सिविलाइजेशन कब शुरू हुई एंड व्हेन इट केम टू एन एंड. तो इफ़ यू वांट टू सी, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए फॉर योर ओन नॉलेज सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज. इफ़ यू सी द एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन जो हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि अर्ली एंड देन हरप्पा एंड देन लेट हरप्पा, तो ये जो एवोल्यूशन हुआ ये कब से, आप इसको कैसे देख सकते हैं बेसिकली. सो जब हम बात करते हैं नियोलिथिक एज विच इज़ योर 5500 BC से लेकर लगभग 3500 BC तक. और इसके बाद क्या शुरू होता है, इसके बाद शुरू होता है आपका अर्ली हरप्पन कल्चर, राइट. और ये जो नियोलिथिक के पार्ट है, इनके पार्ट जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, मेहरगढ़ इज़ लाइक अ प्रोमिनेंट नेम. इसके अलावा किल गुल मोहम्मद, ये सारे आपको बलूचिस्तान और इंडस वैली वाला जो प्लेन है उस रीजन में देखने को मिलेंगे. तो दे आर अगेन द प्रीकर्सर जो अभी तक हम जानते आए हैं, पढ़ते आए हैं. एंड बाई देवर प्रीकर्सर्स, बिकॉज जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको एक शॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर भी देखने को मिला था. देर वॉज परमानेंट सेटलमेंट ऑल्सो, पीपल वर लिविंग देयर इन वन यूनिट, और वो घर भी बना रहे थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, इट वॉज काइंड ऑफ एन अर्बन सेटलमेंट. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत तो हुई होगी, एकदम से वो बिल्कुल आके अर्बन सेटलमेंट में रहने लगे एंड दे स्टार्ट बिल्डिंग होम्स फॉर देम, ऐसा तो नहीं हुआ होगा. तो ये सारी चीज़ें आपके नियोलिथिक से ही शुरू हुई थी, जहाँ पर लोगों को वीट, बार्ले, डेट्स, कॉटन, शीप, गोट, इन तरीके की चीज़ों का आइडिया लग गया था, राइट. और इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों ने कपड़े भी पहनना शुरू कर दिया था, दैट मीन्स दे नाउ स्टार्टेड वीविंग ऑल्सो, जो कि हमने पहले भी देखा था. वीविंग आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले ही कहीं शुरू हो गई थी, लेकिन जो क्रूड फॉर्म था वो धीरे धीरे और ज़्यादा रिफाइन होता चला गया. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज एवोल्यूशंस आप पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन, जो भी आप कहना चाहे, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली, मैच्योर और लेट कल्चर्स. अब ये अर्ली, मैच्योर और लेट को आप कैसे डिवाइड करेंगे, सो बेसिकली इफ़ यू सी द टाइम फ्रेम, जो आपकी अर्ली हरप्पन फेज है दैट इज़ फ्रॉम 3300 टू 2600 BC, वहीं आपकी जो मैच्योर है दैट इज़ फ्रॉम 2600 टू 1900, और लेट हरप्पन फेज है वो 1900 से 1300 BC तक है. ये टाइम स्केल आपको रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए. और जब आप देखेंगे कैसे कैसे आगे ये ट्रांसफॉर्मेशन होता गया, तो जो आपका अर्ली फेज है उसको रीजनलाइजेशन एरा कहा जाता है, जहाँ पे लोग आके सेटल होना शुरू हुए एंड दे स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स इन अ मच बेटर वे. फिर धीरे धीरे इंटीग्रेशन हुआ, जहाँ पे आपकी जो कम्युनिटीज़ थी वो धीरे धीरे एक ग्रुप बड़ा होता चला गया, लोग सेटल होने शुरू हुए वहाँ पे,
और लोकलाइजेशन एरिया जहाँ पे आप लेट फेज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन को मानते हो, ठीक है, तो ये आपके अर्बनाइजेशन के बाद वाला जो फेज था उसके अंदर आएगा, और इसी के अंदर आपको जो सेमेंट्री एज कल्चर है जिसको मैंने बोला हम वैल्यू एडिशन के अंदर कवर करेंगे उसको हम पढ़ेंगे। अब एक एक करके हम ये अर्ली मेच्योर और लेट फेजेस को थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं ताकि अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप लिख पाएं। अब आप अगर अर्ली फेज को देखेंगे तो अर्ली फेज के अंदर जो आपके रीजन्स हैं सो इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखने हैं वो हम आगे चल के देख लेंगे, बट अभी के लिए आप ये वाला जो मैप है ये ध्यान में रखिएगा। सो बेसिकली आपकी अर्ली 3300 BC से 2600 तक है, ये तो हमने देख ही लिया। अब इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सेटलमेंट आपकी हिली और प्लेन्स दोनों एरियाज में थी। दूसरा, कॉपर व्हील और प्लग ये सारी चीज़ें यूज में आने लगी थी एट अ मोर वाइडर स्केल्स, एंड देर इज ऑल्सो एविडेंसेज ऑफ ग्रेनरी, डिफेंसिव वॉल्स एंड लॉन्ग डिस्टेंसेज ट्रेड। कहीं ना कहीं आपको हड़प्पा की झलक इसमें देखने को मिल जाएगी। और दूसरी बात है कि आपकी जो पॉटरी है, पॉटरी ट्रेडिशन आपको यूनिफॉर्मली हर एक कल्चर्स में यहाँ पे देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि लोगों को पॉटरीज की ज़रूरत महसूस हो रही थी, और देर वॉज अ फेमस आर्कियोलॉजिस्ट जिनको आप कोट कर सकते हैं, दैट इज़ ग्रिगोरी पॉशल। तो इनके हिसाब से जो आपकी अर्ली हरप्पन कल्चर्स है उनको आप फाइव डिफरेंट मेन फाइव डिफरेंट कल्चर्स में डिवाइड कर सकते हो, फोर डिफरेंट कल्चर्स में डिवाइड कर सकते हो, एंड दीज फोर डिफरेंट कल्चर्स आर बेस्ड अपॉन दी पॉटरी टाइप, ठीक है। और ये फोर डिफरेंट कल्चर आपको इसी पिक्चर में यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, जैसे आपके अमरी नाल है, कोट दिद्दी है, देन दाम शदात कल्चर है, तो ये सारे आपके इसके अंदर आते हैं, अर्ली हरप्पन कल्चर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब हम वैल्यू एडिशन के अंदर इन्हीं सारे सब कल्चर्स को भी ब्रीफली देख लेते हैं। तो आपको मेनली इनकी जो पॉटरीज थी उनकी फीचर्स को याद रखना है और लोकेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। सो जो अमरी नाल रीजन है, अमरी नाल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यू कैन सी हियर इज अमरी एंड हियर इज नाल, तो ये पूरा आप इसको अमरी नाल कल्चर कहते हैं, ठीक है, सॉरी दिस इज अमरी दिस इज नाल, तो ये पूरा का पूरा जो रीजन हो गया विच इज अमरी नाल कल्चर। ऑलराइट, ज्योग्राफिकल लोकेशंस आप याद रखेंगे ही, और अगर हम पॉटरी की बात कर लें बिकॉज दैट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, तो आपकी जो अमरी पॉटरीज होती थी दे आर मोस्टली फायर टू लाइट रेड और बफ कलर। बफ कलर बेसिकली आप ये जो येलो का शेड्स देख रहे हैं ना, दीज आर बफ कलर्स, ये येलो शेड्स जो होते हैं इसमें भी अलग अलग आपके नंबर्स होते हैं, थोड़ा लाइट थोड़ा डार्क, बट फॉर योर नॉलेज दिस इज बफ कलर, डोंट गेट कन्फ्यूज। तो वो लाइट रेड या बफ कलर के होते थे एंड देन कवर्ड विद रेड और बफ स्लिप एंड पेंटेड ब्लैक। द मोटिव्स कंसिस्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक and the curvilinear design, somewhat you can relate to them like this, ठीक है। वहीं आप null pottery की अगर बात करें तो null pottery are fired to buff or pink color, यानी कि या तो वो बिल्कुल ये आपके buff color के होते थे या तो pink color के भी होते थे कहीं कहीं पर, ठीक है। So here are the pictures which I have found on the internet that I have included, आप चाहे तो और भी आपको pictures ढूंढेंगे मिल जाएंगे, ठीक है। And इन पे जो designs बने होते थे वो अपने आप में काफ़ी यूनिक और ब्यूटिफुल होते थे, एज यू कैन सी दिस एज वेल, बिकॉज दिस इज़ नल पॉटरी जिसके ऊपर बहुत अलग अलग डिज़ाइंस बने हुए हैं। और मोस्टली जब आप इन दोनों कल्चर्स के लोगों की बात करें तो भकरवाल्स का आपने नाम सुना होगा आज के डेट में, जो कि समर्स में हाईलैंड पे चले जाते हैं और विंटर्स में नीचे उतर आते हैं। तो द पीपल ऑफ दीज कल्चर, अमरी नल कल्चर के जो लोग थे दे वर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम पैटर्न, ठीक है। और जो आपके नॉर्दर्न गुजरात के सेरेमिक्स है ये एक एडिशनल पॉइंट है, वहाँ पे आपको अमरी नाल और कोट डेजी हम आगे चल के पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको अमरी नाल और कोट डेजी के जो फीचर्स है वो देखने को मिले। नेक्स्ट अर्ली हरप्पन कल्चर दैट वी हैव टू स्टडी इज कोट डेजी। अब कोट डेजी की लोकेशन कहाँ है, सो एज यू कैन सी हियर कोट डेजी कल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब ये जो पूरा एक रीजन है जो कि आप लाइटिश रेड में देख रहे हैं, दैट इज़ द कोट डेजी कल्चर। और कोट डेजी एग्जैक्टली लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है, जैसे अमरी यहाँ पे था एंड दिस इंटायर रीजन इज रेफर टू एज द अमली नल कल्चर, उसी तरह से ये वाला आपका कोट डेजी कल्चर है। और उसके बाद हम आके दम सदात कल्चर ये पढ़ेंगे जो कि आपके बलूचिस्तान के रीजन में आता है। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें तो याद रखनी है, एक तो पहला कि ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्या है, इसके अलावा अगर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स मेंशन है तो जैसे अगर आप यहाँ की बात करें कोट डेजी की, तो यहाँ पे आपको फोर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है जो कि मड ब्रिक से बने हुए हैं और स्टोन्स भी कहीं ना कहीं उसमें यूज़ किया गया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको बीड्स, टेराकोटा टॉयज, कैटल फिगरीन ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी, बट हमें पॉटरी के बारे में तो ज़रूर से याद रखना है। अब यहाँ की पॉटरीज कैसी थी, तो पॉटरीज पे फिश स्केल्स बने हुए थे,
विद द रेड और हॉर्न्ड डेटीज के भी पिक्चर्स थे एज यू कैन सी हियर, और पीपल के लीव्स के भी पिक्चराइजेशन सी थी. तो दिस इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके की पॉटरी थी, और असली में जो पॉटरीज मिली गई हैं फ्रॉम कॉटेजी तो वो कुछ इस तरीके की दिखती हैं. सिंस लाइक इट इज़ नॉट वेरी क्लियर, आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो पीपल लीव स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिल रहा है, वहीं ये जो डेटी के हॉर्न हैं ये आपको यहाँ ऐसे देखने को मिल रहा है. तो यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है. सो दैट इज़ वेरी कंपेरेबल. दमशदात की आप बात करें तो दमशदात वही जो मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान वाला जो रीजन है उस रीजन के जो कल्चर है दैट्स प्रेफर्ड टू एज द दमशदात. ओके, और यहाँ की जो पॉटरीज है इस पर आपको कॉट डिजी का इन्फ्लुएंस काफ़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत पास पास का है. कॉट डिजी कहीं ना कहीं आपको इस रीजन में देखने को मिलता है, तो इन्फ्लुएंस था उसमें भी, और वहाँ पे भी ज्योमेट्रिक एनिमल फिग्रीन इस टाइप की चीज़ें आपको पॉटरीज के ऊपर देखने को मिलती. और जो रीजन है वो आपको याद रखना है, ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा, दैट इज़ वेल एंड गुड. नाउ सोथी सिसवाल, अब सोथी सिसवाल रीजन अगर कहाँ है आप उसको देखें तो आप यहाँ पे देखिए सोथी सिसवाल कल्चर कुछ इधर देखने को मिलेगा, ठीक है. जो आपका राखीगढ़ी वाला एरिया है ये बेसिकली जो आपका प्रेजेंट डे हरियाणा है उसके आसपास के रीजन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है. थोड़ा बहुत काली बगान जो कि आपके राजस्थान में है वो भी इसके अंदर कवर हो जाता है. तो ये सारे रीजन्स भी जो हैं आपके कोट डिजी पॉटरी से ही इन्फ्लुएंस थे, मोर और लेस उसी तरीके के फीचर्स यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए याद करना भी काफ़ी आसान है. दूसरा कुछ साइट्स हैं दैट इज़ अगेन रेफर टू एज दी प्री हड़प्पन साइट्स, जो कि कुन्नल आपको नॉर्थ ऑफ हिसार, हिसार इट्स टाउन इन हरियाणा, वहाँ पे देखने को मिलेंगी. तो यहाँ की जो पॉटरीज थी उनके अंदर आपको गोल्ड लीव सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड बीड सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिले थे इन दी अदर पॉट्स, जो पॉट्स वहाँ से पाए गए थे. कुल्ली कल्चर आपको बलूचिस्तान में मिलेगा विच इज़ द पार्ट ऑफ सदर्न बलूचिस्तान, ठीक है. ये वाला जो आपका पूरा रीजन है दमशदात वाला, दिस इज़ द बलूचिस्तान वाला रीजन, और जो आप सदर्न में जाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये कुल्ली कल्चर देखने को मिलेगा. सिंस देयर लाइक वेरी स्मॉल कल्चर्स इसलिए आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे इस मैप के अंदर वो नहीं दिखाई दे रहा है, बट या दैट कैन बी अंडरस्टूड वेल. नाउ मेहरगढ़, मेहरगढ़ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर अर्ली हड़प्पन वाला चीज़, और हमने ये भी देखा था मेहरगढ़ को आप प्री में भी काउंट करते हो, प्रोटो में भी काउंट करते हो, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ के आप फीचर्स को थोड़ा स्पेसिफिकली जान लें, सो दैट इज़ लाइक वेल एंड गुड फॉर यू. जैसे अगर आप हाउसेस की बात करें तो हाउसेस किस टाइप के थे, मड ब्रिक के हाउसेस थे, ग्रेनरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, टूल्स में आपको स्टोन ब्लेड्स, ग्राइंड स्टोन्स, बोन टूल्स, ये सारी चीज़ें आपको मेहरगढ़ से रिकवर की गई हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस होती थी, तो उस टाइप के सेटलमेंट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. बिरियल प्रैक्टिसेस की अगर आप बात करें तो इंटेंडेड बिरियल्स होती थी, जहाँ पे आपके जो ग्रेव्स होते थे उसके अंदर गुड्स, ऑर्नामेंट्स और जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो भी डाली जाती थी. पॉटरी की अगर आप बात करें तो मोनोक्रोम, बाइक्रोम और पॉलीक्रोम डेकोरेटेड पॉटरीज आपको मेहरगढ़ से देखने को मिलती हैं. और हड़प्पन पीरियड आपका 2600 BC से 1900 BC, और यही वो पार्ट है दैट यू जनरली स्टडी इन योर GS, जहाँ पे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, आप प्री पोस्ट लेट इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन वहाँ पे नहीं करते. तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमने जैसे भी पहले भी पढ़ रखा है कि लार्ज सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी ड्यूरिंग द मेच्योर हड़प्पन फेज, और काफ़ी सारे एडवांसमेंट हुए थे इन टर्म्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर और ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेनरीज, जो सारी चीज़ें आप पढ़ते हो. तो जो फीचर्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो हम लेक्चर के अभी आने वाले पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, मतलब इसी लेक्चर के आने वाले पार्ट्स में कवर करने वाले हैं. और जो रीजन है लाइक दी ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो दिस इज़ दी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ दी मेच्योर हड़प्पन पीरियड. यहाँ पे आपको जो मेजर सिटीज है जिनका आप नाम सुनते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गरेरी वाला, ये सारे आपके मेच्योर हड़प्पन पीरियड के पार्ट है, ठीक है. और फीचर्स हम इनके आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं. वहीं अगर आप लेट हड़प्पन पीरियड की बात करें तो ये आपके 1900 बीसी से, जब तक भी पूरी तरह से आप हड़प्पन को एंड नहीं मान लेते उस टाइम पीरियड तक ये आपका लेट हड़प्पन चलता है, ठीक है. और इस टाइम पे जो सिटीज़ थी मोस्टली दे हैव बीन अबैंडन्ड, बट जो आपकी पॉटरीज थी दे हैव कंटिन्यूड बाय फार. और इसके अंदर भी मेजरली आपके सीमेंट्री एच कल्चर, झूकर कल्चर और रंगपुर कल्चर आते हैं. तो आज के इस लेक्चर में मैं सीमेंट्री एच कल्चर के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी. ऑल दो झूकर और रंगपुर इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है.
लेकिन मैं आपको सिमेट्री एज कल्चर इसलिए बता रही हूँ सो दैट इन केस अगर आपको इनके बारे में भी जानने में इंटरेस्ट हो तो यू कैन गो इन दैट वे लाइक हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी विद द सिमेट्री. और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ इज द ट्रांजिशन टुक प्लेस, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कैसे कैसे आपके रीजनलाइजेशन से इंटीग्रेशन हुआ, फिर लोकलाइजेशन हो गया, और उसके अंदर कौन कौन से लोकेशन हैं, जोग्राफिकल लोकेशन, वो भी यहाँ पे मेंशन है. तो आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं, यू कैन मेक अ नोट आउट ऑफ इट एज वेल. सो जो आपकी सिमेट्री एज कल्चर है, अगेन ये तो ब्रोंज एज का पार्ट है दैट वी ऑल नो वेरी वेल, एंड सिंस दिस इज पार्ट ऑफ योर लेट हरप्पन पीरियड, तो ये 1900 BC से लगभग 1300 BC तक यू कैन टेक इट इन टू अकाउंट. और दूसरी बात ये है कि जो ये आपकी हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर हम इस फेज को पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि आपका झुकर, रंगपुर एंड अलॉन्ग विद दैट जो आपके सिंध के भी जो कल्चर्स हैं वो भी इसके कंटेम्प्रेरीज हैं, ठीक है. और दूसरा ये भी माना जाता है दैट दिस सेमेंट्री एच कल्चर वॉज अ काइंड ऑफ एन प्लेस वेर द इंडो आर्यन पीपल माइग्रेटेड टू. बट अगेन दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक कि आर्यन्स आए नहीं आए, कैसे आए, कब आए, सो विल लीव दैट अपॉन आगे की कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ों के लिए. बट अभी के लिए हम यहाँ पे जान लेते हैं कि इस कल्चर के फीचर्स क्या क्या थे एंड हाउ इट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम दी मेच्योर हड़प्पन फेस. तो यहाँ पे मोस्टली आपके जो क्रिमेशन है, बिकॉज आपने अभी तक देखा जो बुरियल प्रैक्टिसेस थी वो शुरू हो गई थी, लेकिन जो क्रिमेशन है वो क्रिमेशन आपको इस वाले सिमेंट्री एज कल्चर में देखने को मिलेगा, ठीक है. और जो आपके बोन्स थे, जो चैट बोन्स होते हैं, इफ़ यू हैव आइडिया अबाउट द हिंदू क्रिमेशन कल्चर, तो उसमें आप देखेंगे रिचुअल बेसिकली, तो उसमें आप देखेंगे दैट द एशेज आर कलेक्टेड इन अ लाइक पॉट दैट यू कॉल अर्न्स, तो इस पॉट में कलेक्ट किए जाते हैं. और उस टाइम पे भी कुछ इसी तरीके के पॉट्स देखने को मिले थे एज यू कैन सी, ठीक है. चेन्नई एक्सप्रेस आपने देखी होगी तो उसमें यू मस्ट हैव सीन दैट अर्न टेकन बाय लाइक द शाहरुख खान, ओके. तो वो उसको लेके जा रहे थे और इसी अर्न की हम बात करें तो उसमें बेसिकली आप अस्थियों को डालते हैं, यू टेक इट लाइक विद योर सेल्फ, चाहे वो आप उसको नदी में प्रवाहित करते हैं, देर आर लाइक वेरियस अदर रिचुअल्स दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड. तो उस टाइम पे जो आपकी सिमेट्री एज कल्चर है उस टाइम पे भी कुछ ऐसे ही रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे ऐसा पता लगता है. और दूसरी बात ये है कि जो आपकी पॉटरीज थी इनके जो डिज़ाइंस होते थे इसमें एंटीलॉप, पीकॉक्स, ये सारी चीज़ें बनी होती थी और रेडिश पॉटरी होती थी. आज की डेट में भी आपको रेडिश पॉटरी बहुत ईजिली देखने को मिल जाएगी. और ये जो डिज़ाइंस है ये भी कुछ सिग्निफाई करते थे. अब ये क्या सिग्निफाई करते थे, तो बेसिकली जब आप उसको एक वैदिक लेंस से देखते हैं तो वहाँ पे मानना है जो पीकॉक्स बने होते थे, पीकॉक में भी एक अलग सा स्ट्रक्चर देखने को मिला था जिसके अंदर पीकॉक की बॉडी हॉलो रखी जाती थी और उसमें कुछ स्मॉल ह्यूमन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता था. इट माइट नॉट बी वेरी विजिबल इन दीज पिक्चर्स, बट जो एनालिसिस किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी पीकॉक है, जो एनालिसिस किया गया उससे ये पता चला कि वो कहीं ना कहीं जो लाइक यम देवता है विच इज़ कंसीडर्ड टू बी द गॉड ऑफ डेथ, उनको सिग्निफाई करता है, या सोल और जो आपकी लाइफ आफ्टर डेथ होती है, इन सारी चीज़ों को सिग्निफाई करता है, विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ योर वैदिक ट्रेडिशन, ठीक है. और पहली बार आपको जो क्रिमेशन की आप कह सकते हो आइडिया और क्रिमेशन के बारे में पता लगना, वो आपको सिमेंट्री एज कल्चर में पाया गया इन इंडिया, ठीक है. तो क्रिमेशन की जो प्रैक्टिस थी ये हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, पहली बार हमें सिमेंट्री एज कल्चर में देखने को मिला. इसके अलावा जो आपकी कुछ अलग फीचर्स है जो आप मेंशन कर सकते हैं अबाउट दिस कल्चर इज कि राइस यहाँ पे मेन क्रॉप के तौर पे यूज़ होने लगी थी. अगर आप हरप्पन कल्चर की बात करो तो हरप्पन या मेच्योर जो हरप्पन फेज था उस टाइम पे मोस्टली वीट वगैरह ज़्यादा यूज़ होते थे, वीट, बार्ली वर मेजर क्रॉप्स दैट इज़ बीइंग यूज. बट अब धीरे धीरे राइस हैज़ बिकम द मेन क्रॉप ड्यूरिंग द लेट हरप्पन फेज, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, राइट. और पहले शेल्स काफ़ी यूज़ हुए करते थे, जिस तरह आप शंखा भी बोलते हो, तो ये शेल्स का यूज़ आपको यहाँ पे सिमेंट्री एज कल्चर में देखने को नहीं मिलेगा. आज के डेट में तो आपको बिल्कुल नहीं मिलता, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी रिडंडेंट नाउ. तो शायद कहीं ना कहीं सिमेंट्री एज कल्चर जो कि आपके लेट हरप्पन फेस का पार्ट है उस टाइम पे भी ये शेल या इस टाइप की जो भी मरीन चीज़ें होती हैं उनका यूजेज उतना रह नहीं गया था. बट अभी भी यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स जो थे वो मड ब्रिक्स के देखने को मिल रहे थे, यानी कि अभी भी उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली थी
लाइक ग्रेनाइट मार्बल नहीं यूज़ हो रहे थे, बट स्टिल मड ब्रिक्स ही यूज़ किए जा रहे थे। तो ये कुछ फीचर्स है जो आपको रटने नहीं है एज इट इज़, बट आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। और जो हम जितनी भी अभी तक हमने पॉटरीज की बात करी है ना, अगर आप एक रफ फिगर भी ड्रॉ कर पाएँ एग्जाम में, दैट विल बी वेल एंड गुड। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि पिकॉक है, तो एटलीस्ट अगर आपको पिकॉक ड्रॉ करना आता है तो आप कुछ पिकॉक वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी बैड, बट हाँ, आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉ इट। अब हम इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात कर लेते हैं, और हम ये किस टाइम के इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात करें, स्पेसिफिकली आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उससे रिलेट करना चाहें, तो मेच्योर फेज में जिस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दैट क्लाइमेटिक कंडीशन इज मोर लेस सिमिलर टू दी प्रेजेंट डे क्लाइमेटिक कंडीशन। ऑफकोर्स प्रेजेंट डे, अब आज मतलब पिछले कुछ सालों से, और यू कैन से विद अ डिकेड और सो, आपको क्लाइमेटिक कंडीशन में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। देर हैज़ बीन लाइक मोर रेनफॉल, आपको हीट वेव्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं ऑन सो एंड सो फॉर्थ। बट जो नॉर्मल एक कंडीशंस थी, जो कि आप क्लाइमेट चेंज के फैक्टर को हटा दें, तो उस टाइप की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो आपके हरप्पन सिविलाइजेशन से मिलती जुलती थी। वहाँ पे भी आपको फर्टाइल प्लेन्स देखने को मिलते हैं इन द इंडस रीजन, और जिसके वजह से वो लैंड काफ़ी फर्टाइल था, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते थे। सो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्ट। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दी हैवी रेनफॉल, क्योंकि उस टाइम पर थोड़ी रेनफॉल ज़्यादा होती थी, उस रेनफॉल की वजह से एक लश ग्रीन एनवायरनमेंट बना रहता था, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट में देखने को मिल सकते थे। ठीक है, सो दीज आर लाइक ओवरव्यू ऑफ दी एनवायरमेंटल कंडीशन। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं जाना है, एक दो आइडिया होना चाहिए। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करें ऑफ दी मेच्योर हड़प्पन फेज, तो जोग्राफिकल लोकेशंस भी आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। जो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के मैप को अपने GS के अंदर स्टडी करते हो, दैट इज़ द सेम विथ दिस एज वेल। और अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं, तो यू कैन लाइक इंक्लूड दीज डिटेल्स। ठीक है, और दूसरी एक पॉइंट बस आपको जो याद रखनी है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, बिकॉज दिस इज गुड पॉइंट दैट यू शुड राइट, कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी आपकी इजिप्शियन और मेसोपोटामियन, जो उसके कंटेम्प्रेरी थे, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है, तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसको आप मेंशन करना ना भूलें। और जो दूसरी हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं इंडिया में, कौन सी है पाकिस्तान के अंदर, कौन कौन सी है, ये तो आपको पता ही है, तो आई विल नॉट लाइक टेक मच टाइम ओवर हियर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो मेजर साइट्स हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि आप हड़प्पा जो पर्टिकुलर साइट है उसके बारे में आप डिटेल्स बताएं, या मोहनजोदड़ो के बारे में बताएं, स्पेसिफिक फीचर्स की हम बात करें। ओवरऑल अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखने को पूछा जाता है, तो यू कैन राइट ओवरऑल। अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है, या अगर आपसे 20 मार्कर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताएं, तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप एक दो साइट्स को लेके भी उसके बारे में कुछ जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है उसके बारे में बात करें। सो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगी, मैंने उनको यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे जाके देख ले, क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। और उसी तरह से जो फीचर्स हैं आपके, फीचर्स भी मैं अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन फीचर्स मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, जो आपके रिलीजन, टाउन प्लानिंग, इकोनॉमी, लैंग्वेज, पॉलिटिकल, सोशल, ये सारी हैं। एज यू कैन सी, रिलीजन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आप मेंशन करनी है। अब यही चीज़ आप GS में भी पढ़ते हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दोबारा से उसको बता नहीं रही हूँ, बट देर आर लाइक डायग्राम्स एंड एवरीथिंग दैट कैन बी इंक्लूडेड। टाउन प्लानिंग भी आप इंक्लूड कर सकते हो। वहीं आपकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर आप एग्रीकल्चर और ट्रेड दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो, और उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। और सोर्सेज ऑफ मटेरियल, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें थी जो एज इट इज़ आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वहाँ पे नहीं पाई जाती थी, इट इज़ बीइंग ट्रेडेड विद डिफरेंट रीजन्स। अब वो कौन कौन से रीजन से क्या क्या चीज़ें ट्रेड की जाती थी, जैसे कॉपर का आप हमेशा सुनते होंगे कि कॉपर इंडिया में नहीं मिलता है, सो कॉपर दूसरी जगहों से लाया जाता था, मतलब मिलता है बहुत कम मात्रा में मिलता है। इवन टिन की भी आपको बहुत ज़्यादा इंडिया में डिपोजिशंस नहीं दिखेगी, तो वो भी बाहर के देशों से लाया जाता था। तो उस टाइम पे कहाँ कहाँ से लाया जाता था, अगर आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको याद रहता है, देन दैट इज़ वेल एंड गुड। ऑन अ सिमिलर नोट, क्राफ्ट उस टाइम के कैसे थे ये भी आपको पता ही है, लाइक द डांसिंग गर्ल की स्टैचूज, और आपके जो बस्ट थे वो पाए गए थे, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जो शील्ड्स थी वो किस टाइप की थी, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट किस टाइप का था वो भी आप मेंशन कर सकते हो। देन पॉलिटिकल स्टेटस क्या था, ये भी हमने बहुत अच्छे तरीके से GS के अंदर पढ़ रखा है, दैट कैन बी इंक्लूडेड। वहीं आपकी सोशल लाइफ किस टाइप की थी, दैट इज़ ऑल्सो लाइक वेल अंडरस्टूड एज विद द GS सिलेबस, तो वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक आई एम काइंड ऑफ एन मेकिंग योर लाइफ ईजियर, बिकॉज जो चीज़ें आप GS से ऑलरेडी यहाँ पे उठा सकते हो,
दैट कैन बी डन. आपको वही चीज़ों को रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ें आपको जीएस में नहीं मिलेंगी वो हमने ऑलरेडी उस पर एम्फोसाइज कर रखा है. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन, बिकॉज ये आपको ना तो जीएस के अंदर मिलेंगी, ये एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आपको पढ़नी ज़रूरी है. तो अब अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, ओरिजिन को लेकर भी कोई एक सब्सटेंशियल थ्योरी नहीं है दैट यू कैन से इज लाइक द करेक्ट वन. उसी तरीके से थ्योरीज ऑफ डिक्लाइंस भी बहुत सारी हैं, लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी हैं. तो हमें यहाँ पे थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन के अंदर ये जानना है कि एक सर्टन, अगर आपको पूछ लिया जाए सिंपली कि राइट अबाउट द थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन, तो यू कैन राइट अबाउट द थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन इन द वेरियस कैटेगरी, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको. ठीक है, और इनके अंदर किसने दिया था एंड हु ऑल सपोर्टेड इट एंड व्हाट इज इट, एक दो लाइन में वही आपको बताना है. तो वही हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले इसके अंदर है आपकी क्लाइमेटिक चेंज. सो क्लाइमेटिक चेंज इज वन ऑफ द थ्योरी दैट वॉज बींग प्रपाउंडेड बाय स्टीन, ऑरल स्टीन बेसिकली. यहाँ पे पूरा नाम इनका नहीं लिखा हुआ है. तो ऑरल स्टीन, इन्होंने 1931 में बताया कि कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का एक रीज़न है दैट द रेनफॉल डिक्रीज्ड. बिकॉज हमने देखा कि रेनफॉल की वजह से आपके लश ग्रीन एनवायरमेंट थे, फर्टाइल कंडीशंस थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पा रहा था. तो इन्होंने बोला कि बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन रेनफॉल इंडस सिविलाइजेशन केम टू एन एंड इवेंचुअली. और इसको मार्शल ने सपोर्ट किया था. देन स्टुअर्ट पिगॉट, इन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया. देन मॉर्टिमर व्हीलर, इन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया. एज आई टोल्ड यू, किसने दिया था, किसने सपोर्ट किया था और बेसिकली वो थ्योरी क्या कहती थी. वहीं गुरदीप सिंह, ही इज़ एन इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट यू कैन से. सो इनके हिसाब से जो रेनफॉल थी और सिविलाइजेशन, इनका आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेशन है. बिकॉज कि अगर रेनफॉल होगी तो आपकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी सॉइल की, और फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी तो द सिविलाइजेशन विल हैव एम्पल ऑफ फूड टू ईट, और इसी तरह से सिविलाइजेशन ग्रो करती रहेगी, राइट. तो इन्होंने कहीं ना कहीं उस कोरिलेशन को स्टैब्लिश करके इस पर्टिकुलर थ्योरी को, विच इज़ द डिक्लाइन इन रेनफॉल, को सही ठहराया था. ठीक है, और ये जो फाइंडिंग्स थी इन्होंने, ये किस बेसिस पे दी थी, इन्होंने जो सॉल्ट लेक है आपके राजस्थान के अंदर, वहाँ के पीलियोटोलॉजिकल डेटा को स्टडी करके इस बात को सही माना था. बिकॉज हम जानते हैं कि जो आज के डेट में आपके जो डेजर्ट्स हैं राजस्थान के, दे वर नॉट लाइक दैट सिंस एजेस, राइट. वो एक ऐसा टाइम था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज अ फर्टाइल लैंड, और वहाँ पे आपको रिवर्स फ्लो होती हुई दिखती थी, बट आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है. देन योर सेकेंड इज द फॉरेन इन्वेजन. अब इसी फॉरेन इन्वेजन के अंदर जो आपके आर्यंस की थ्योरी है वो भी कहीं ना कहीं आती है कि द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैपन सिविलाइजेशन वॉज द डिस्ट्रक्शन बाई द आर्यंस, और बेसिकली आर्यन गॉड्स, जिसको इंद्र भगवान आप सभी जानते होंगे. कहीं ना कहीं आपने बचपन में कोई ना कोई माइथोलॉजिकल टीवी सीरीज देखी होगी. तो इंद्र इज नोन फॉर द गॉड ऑफ रेनफॉल, राइट. तो इन्होंने कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन कॉज किया था, ऐसा फॉरेन इन्वेजन का मानना था. प्लस जो आर्यंस आए उन्होंने सिटीज़ को डिस्ट्रक्ट किया. बट ये वाली जो थ्योरी थी, ये सपोर्ट तो स्टुअर्ट पिगॉट के द्वारा की गई थी एंड डीएच कॉर्डर, और दिया किसने था पहली बार, वॉज मॉर्टिमर व्हीलर, और सपोर्ट इन दोनों ने किया था. बट इसके अपने अलग क्रिटिसिजम्स हैं, और यू कैन से कि इस थ्योरी को रिजेक्ट ही कर दिया गया था. व्हाई? बिकॉज कुछ अलग अलग स्टडीज़ दैट इज़ बीइंग डन बाय जीएफ डेल्स और आरएल राइकेस, इन्होंने जो स्टडीज़ की थी इनके हिसाब से अगर डिस्ट्रक्शन हुई थी तो देयर मस्ट हैव बीन सम काइंड ऑफ एन स्केलेटन रिमेन एट दैट प्लेस. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ये एविडेंस दे सके कि उस टाइम पे इस टाइप की कोई डिस्ट्रक्शन हुई थी, राइट. बिकॉज डिस्ट्रक्शन होगी तो आपको उसके रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे. तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ. तो दिस इज़ द सेकेंड थ्योरी. वहीं आपकी टेक्टोनिक फेनोमेना वाली जो थ्योरी है, ये दी गई थी बार एम आर सानी. इनके हिसाब से जो आपकी इंडस रिवर थी, इसमें हमेशा फ्लडिंग होती रहती थी. देयर वॉज एन रिकरेंट फ्लड, और इसके वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो इंडस की सिटीज़ थी दे इवेंचुअली वैनिश्ड. और इस थ्योरी को फर्दर आपके आरएल राइकेस, जिन्होंने आपके फॉरेन इन्वेजन वाली थ्योरी को रिजेक्ट किया था, डीएफ डेल्स, इन्होंने भी इलैबोरेट किया था इस पर्टिकुलर थ्योरी को कहीं ना कहीं. ठीक है, बट अगेन इसमें भी कोई आपको कोरिलेशन नहीं मिल पाया, कोई जियोमॉर्फिक एविडेंसेस नहीं मिल पाया विच कैन स्टैब्लिश कि आपकी ये टेक्टोनिक मूवमेंट उस टाइम पे
हुई थी एंड दैट बिकम द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन कल्चर, राइट? तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रू नहीं है और वैलिड नहीं है. वहीं आपकी इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन थ्योरी, अब ये इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन थ्योरी ये आपके मोर्टिमर व्हीलर ने ही दी थी, और इस थ्योरी के हिसाब से ये माना था कि इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया था, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन आपकी हो गई थी ऑफ द सॉयल, नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर थिंग्स, कि जिसके वजह से इवेंचुअली द हरप्पन सिविलाइजेशन केम टू एन एंड. इट इज़ समवॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंट ईयर थ्योरी जो आप बात करते हो, कि आज के डेट में बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है दैट इवेंचुअली द अर्थ विल हैव टू लाइक इंटरवीन, राइट? द नेचर हैज़ टू इंटरवीन, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका डिस्ट्रक्शन होगा एट लार्ज स्केल एंड थिंग्स विल कम एट ज़ीरो अगेन, यानी कि फिर से एक नई शुरुआत होगी. दैट इज़ वॉट बींग सेड. और आपकी इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन थ्योरी जो थी, ये सपोर्ट किसके द्वारा की गई थी? बाय जीएल पॉशल, जीएफ डेल्स और फेयर सर्विस, इन्होंने इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन थ्योरी को सपोर्ट किया था. देन हाइड्रोलॉजिकल चेंज, अब ये हाइड्रोलॉजिकल चेंज थ्योरी क्या कहती है? सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सिंपली जो आपकी इंडस रिवर थी उसके कोर्स के चेंज होने की वजह से जो लैंड थी उसकी प्रोडक्टिविटी पे कहीं ना कहीं असर आया. सो बिकॉज ऑफ दैट the Indus eventually came, sorry, the Harappan civilization eventually came to an end. So this is what is being said over here. Next is your Aryan invasion theory. So basically the purpose to include this particular thing over here is to make you understand like what is the concept all about. And accordingly aapko answer frame karna hai. This is not a well-written answer for you. I'm just telling you like tits and bits for your understanding. So jab aap baat karte ho Aryan invasion theory ki, तो इसको दिया था आपके मैक्स म्यूलर ने. अब मैक्स म्यूलर का ये मानना था कि जो आपके आर्यंस थे, इंडो आर्यंस जिसको आप बोलते हो, दे हैव माइग्रेटेड टू इंडिया रादर इन्वेडेड. बिकॉज जो बहुत सारे आपके थ्योरीज हैं वो ये भी कहती हैं लाइक आर्यंस इन्वेडेड, जो आपकी डिक्लाइन थ्योरी के अंदर भी एक फॉरेन इन्वेजन वाले पार्ट के अंदर हमने देखा कि कुछ लोगों ने इन्वेड किया एंड कुछ लोगों को बाई मीन कि आर्यंस ने इन्वेड किया एंड दैट इवेंचुअली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, और उसकी वजह से उन्होंने जो अपने कल्चर्स थे वो इम्पोज करने शुरू किए. बट मैक्स मिलर ने बस इन्वेजन की जगह पे यहाँ पे माइग्रेशन को ज़्यादा एम्फोसाइज किया है. अब ये माइग्रेशन की वजह से क्या हुआ, बेसिकली आप इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो इंडियन ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है वो कौन थे, डार्क स्किन द्रविडियंस, ये इन लोगों का मानना है. और ये अपने जो अर्बन सिविलाइजेशन थी इसमें आराम से रहते थे, विच इज़ योर इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब इवेंचुअली क्या होता है कि कुछ लोग जो आपके इंडो आर्यंस जिसको बोलते हो, दे केम इन दिस लैंड. अब ये इंडो आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, इसके पीछे भी अपने अलग अलग आप थ्योरी देखेंगे. कुछ का मानना है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ का ये मानना है स्कैंडिनेवियन से आए थे, कुछ नॉर्थ जर्मनी, हंगरी, यूक्रेन, इवन बाल गंगाधर तिलक ने भी इस आर्यन माइग्रेशन थ्योरी और इन्वेजन थ्योरी के ऊपर अपने व्यू पॉइंट्स रखे हुए हैं. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन इंक्लूड दैट एज वेल. अब इन लोगों ने जो कि इंडो आर्यंस थे, इन्होंने इवेंचुअली जो आपके इंडिजीनियस द्रविडियन लोग थे, इनके कल्चर को डिस्ट्रॉय किया और अपने कल्चर को इम्पोज करना शुरू किया, ऐसा इन थ्योरीस्ट का मानना है जो ये बोलते हैं कि आर्यंस यहाँ आए थे इधर विद माइग्रेशन और विद इन्वेजन. बट इसके काउंटर व्यूज़ भी है. काउंटर व्यूज़ क्या क्या है इनका, अब जो लोगों ने काउंटर व्यू दिया है उनका ये मानना है कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, एज पर दी थ्योरिस्ट जो कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी या माइग्रेशन थ्योरी को मानते हैं, उनका ये मानना है कि जो इंडियन के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे वो द्रविडियंस थे. बट जो काउंटर व्यू रखते हैं उनका ये मानना था कि दे वर नॉट दी द्रविडियंस, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन द्रविडियंस की नहीं थी, इट वॉज ओरिजिनली ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन, और वही वैदिक सिविलाइजेशन आप आज वहाँ उस फॉर्म में देखते हो. सो कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है. आपके कुछ रिनोड नेम्स है दैट यू कैन मेंशन इज द बीबी लाल. अब बीबी लाल के बारे में आप और भी डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, बट हम अगर इस थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इनके हिसाब से अगेन कोई एविडेंस नहीं है आपका वॉरफेयर का, इन्वेजन का, तो ये आर्यन माइग्रेशन या इन्वेजन की थ्योरी पूरी तरह से इन्होंने खारिज कर दी, लाइक उसको मिथ बता के साइड लाइन कर दिया, ठीक है. और इन्होंने ये भी बोला कि जो आपकी हरप्पन सिविलाइजेशन थी वो आपकी सरस्वती रिवर, बिकॉज एज वी नो जो सरस्वती रिवर थी आज के डेट में आपको नहीं मिलती है. हरियाणा में एक प्रोजेक्ट चल रहा है इन विच दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दी सरस्वती रिवर. सो अब हम इसकी बात करें तो इनका ये मानना था कि सरस्वती रिवर थी वो धीरे धीरे मानसून के डिक्लाइन होने की वजह से
सूखती गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो पूरा का पूरा रीजन था इन एंड अराउंड दी सरस्वती रिवर विच यू कॉल द इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके पास, वो भी धीरे धीरे डिफंक्ट होते गए. ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपके AIT को काउंटर करता है, विच इज़ की जो आपकी सरस्वती रिवर है स्पेसिफिकली, दिस वॉज मैंशन इन द ऋग्वेदा एज वेल. और ऋग्वेदा, कुछ लोगों का ये मानना है हु सपोर्ट द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि ऋग्वेदा तब लिखा गया था वेन द आर्यन केम इन टू पिक्चर. सो अगर आर्यन जब पिक्चर में आए उसके बाद ऋग्वेदा लिखा गया, तो सरस्वती रिवर का जिक्र उसमें कैसे आता है? दीज आर लाइक टू काउंटर ओपिनियन और काउंटर व्यूज, यू कैन से. ठीक है, तो अगेन ये भी एक काउंटर ओपिनियन बन जाता है कि AIT इज नॉट ट्रू. दूसरा, आपके बीबी लाल ने ही कुछ और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के हेल्प से ये बताया कि देर वर सर्टन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस दैट वॉज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, विच यू कैन से द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जो सरस्वती रिवर के आसपास के रीजन्स थे. तो उस टाइम पे भी योगा प्रिवेलेंट किया करता था, सिंदूर मर्क्यूरी के फॉर्म में वो यूज़ करते थे, वो आप एविडेंसेस देखेंगे. देन जो ग्रीटिंग्स का तरीका था वो भी आपकी जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में था वो आज भी एग्जिस्ट करता है. तो इन्होंने ये रिफ्यूट किया कि अगर आर्यन इन्वेजन थ्योरी ट्रू है तो ये जितने भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं इनको भी खत्म हो जाना चाहिए था, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं. दैट मीन्स कि ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है ये कहीं पर फिट नहीं बैठती है. और दूसरा, कुछ जेनेटिक स्टडीज़ भी हुई हैं जिनमें ये पाया गया है कि इंडियन जो भी आप उस रीजन के लोगों को स्टडी करके बता सकते हैं द प्रेजेंट द पॉपुलेशन, उनमें कोई भी जेनेटिक इन्फ्लुएंस नहीं मिलता है विच शोज कि बाहर से कोई लोग वहाँ पे आए थे. दे आर द पीपल हु एग्जिस्ट देयर सिंस एजेस. तो दीज आर सर्टन पॉइंट्स. तो अगर आपको आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में लिखना है तो आप पहले ये लिख दें कि क्या था उसमें, क्या बोला गया था, देन काउंटर व्यूज आप डाल सकते हैं. और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम और भी देखेंगे कुछ लोगों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेकर अपने क्या क्या ओपिनियंस रखे हैं, विल डिस्कस दैट एज वेल. ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल कल्चर टू द इंडियन सिविलाइजेशन. सो द थिंग इज लाइक टूडे वी आर हैविंग 20th March 2022. सो वट आई थॉट इज कि मैं इसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर दूंगी, लेकिन देन आई सॉ कि इसके अंदर कुछ वैसा खास डिस्कस करने लायक है नहीं. दिस इज मोर ऑफ एन फैक्चुअल थिंग. ठीक है, और पेपर टू में मोस्टली आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत फैक्चुअल है, and I'll not discuss that in detail in the videos because they take a lot of time again in making the PPTs and discussing upon that. So I'll leave it up to you. और अगर आपको उसको समझ में नहीं आता है even after seeing the notes, you can definitely email about the doubts and details. ठीक है, so this you can study from the notes itself. And with this we have completed the entire topic 1.1 and I'll come up with the topic 1.2 very soon. Thank you so much.